पुण्यस्य अमृतम् चन्द्र की जय जय श्री राम बच्चों के सामने बोल ये छोटी सी कुटिया है यदि आप ना यहाँ धर्म की स्थापना नहीं करना होते तब कहाँ पर छोटे से कुटिया में आते भगवान राम की मधुनी करना हो तो सब कहाँ वनवास का स्वीकार करते तो भगवान राम जी कहे कि हे माता भ्रम में न पड़ो कि मैं रावण के विनाश के लिए ही वनवास को स्वीकार किया हूँ और निश्चित ही राम चरित्र मानस केवल हमें ये प्रेरणा नहीं देता कि राम के जैसे अत्याचारियों का विनाश कैसे होगा या इस संसार में धर्म की स्थापना कैसे होगी भगवान राम कहते हैं कि रावण जैसे अत्याचारियों का यदि विनाश करना है तो उसके लिए माँ शबरी जैसी माताओं का आशीर्वाद होना आवश्यक है ताकि राम जी के भाव को लेकर के एक पुष्प माता रानी को अर्पित करते हैं मुनी माता रानी के मुनि साचे निर्माण की